मुख्यमंत्री से उन लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि झारखंड में 5000 से करीब अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है, उसमें से आधे से अधिक तो ट्राइबल महिलाएं ही हैं। कि मध्य प्रदेश की घटना को लेकर के तो आप सबने देखा कि वहाँ जो बीजेपी की सरकार है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की। और कार्रवाई ही नहीं की बल्कि एक मुख्यमंत्री उस आदिवासी का पैर छुए, क्या कहते हैं, पैर धोए और फिर माफी भी मांगे। और जिन्होंने जो इस प्रकार के कुकृत्य किया था उसके ऊपर कार्रवाई किए, उनके घर तक को तोड़ा गया। मैं तो कहूँगा कि जो लोग यहाँ जुलूस के लिए बात कर रहे हैं घेराव की, भाई उन सारे लोगों को तो यहाँ हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए। और दूर की बात छोड़ दीजिए, जहाँ उनकी कर्म भूमि रही है, दुमका है, बरहेट है, जहाँ पर महिलाओं को पेट्रोल से आग लगा करके जला दी गई, और बरहेट में तो एक प्रिमिटिव ट्राइब्स पहाड़िया को कितनी 50 टुकड़ों में काट करके उसको फेंक दिया गया, और उनके घर में मुख्यमंत्री जी अब तक गए नहीं, उनकी शुद्धि लेने को गए नहीं। तो जो भी आदिवासी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यालय को घेरने की बात कर रहे हैं, मेरा उन लोगों से सलाह है, उनको तो जाना चाहिए, हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। उमेश कच्छप की हत्या के बारे में आप सबको पता है किस प्रकार से उन्होंने सुसाइड होने को मजबूर हुए थे, उनके परिवार के लोग हाई कोर्ट गए हैं पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए, लेकिन आज तक हेमंत सोरेन सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है, क्यों नहीं दे रही है सीबीआई को? तो उन लोगों को वहां जाना चाहिए जहां उमेश कश्यप की जो हत्या सुसाइड किए हैं फांसी लगा करके धनबाद जिला में, तो उसमें से उनकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, वहां उनको जा करके इस मांग को करनी चाहिए। उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनके परिवार को हाईकोर्ट में जा करके सीबीआई जांच की गुहार लगानी पड़ रही है। तो ये राजनीतिक नौटंकी इन लोगों को बंद करनी चाहिए। जहां और बीजेपी तो शुरू से इस बात को मानती है, न्यायार्थ अपनों को भी दंड देना धर्म है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।